हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया है। ये गुजरात में अहमदाबाद में लांभा आया हुआ है, नारोल हाईवे पे। आज हम वहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी मैंने ये ब्लॉग शेयर किया है लांभा का। हर साल में जाती थी, पर पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं जा पाई। कृष्णा आप सबको हाय बोल रही है। आप भी कॉमेंट में ज़रूर से हाय लिखिएगा। अभी पार्किंग करने गए इसके पापा और हम तीनों इस तरह से निकले हैं। आप देख रहे हो कि मेरी आंखों पे भी सूजन आ गई है, क्योंकि बाइक पे आए हैं और मॉर्निंग है, ठंड भी थोड़ी लग रही है, गर्मी भी है, ऐसे सब दोनों मिक्स है। अभी हम अंदर मंदिर जाएंगे, पर मंदिर में अब यहाँ देख रहे हैं सुबह का अभी 6 बजे का टाइम है, तो कोई भीड़ नहीं है, कोई पब्लिक ही नहीं है। हम लोग सुबह 5:30 बजे के आसपास निकले थे और बाइक पर ही आए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। ज़्यादा पब्लिक होती तो हमें दिक्कत होती कि कहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, फिर लाइन से अंदर जाना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम साइड में खड़े हैं और इसके पापा प्रसाद लेने गए हैं। अभी वो प्रसाद लेके आएंगे, फिर हम मंदिर में जाएंगे। मैंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि कोविड था उस टाइम, मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था और फिर मेरी डॉटर है उसे भी थोड़े ये जो बापूजी है, बापूजी बोलते हैं हम गुजराती में, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मैंने मन्नत मांगी थी। तो 2 साल से तो आ नहीं सके, तो इसी अभी जाके हम वह मन्नत जो मांगी थी वह पूरी कर लेंगे। अभी थोड़ा गुड़ भी लेने का है, तो गुड़ वहाँ पर है नहीं, तो वो लोग वहाँ सामने लेने जा रहे हैं। ये मंकी है, उससे सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि क्या है, हाथ में जो भी प्रसाद होता है वो हाथ में से लेके फिर भाग जाता है। इसलिए दोनों लड़कियां डर रही है और मैंने प्रसाद है वो मैंने चुन्नी में छुपा लिया है। अभी हम मंदिर में जाएंगे, चप्पल बाहर निकाले हैं। अभी ये मंदिर में देखिए, पब्लिक नहीं है तो कितना अच्छा है, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। पहले तो क्या है कि यहाँ पे अंदर सूट नहीं करने देते थे, इस बार पता नहीं है सब सूट कर रहे थे। फिर भी मैंने वहाँ पे पंडित जी थे उनको पूछा, और उनको पूछने के बाद ये सूट किया है। आप मंदिर के अंदर का भी देख सकते हो, कितना अच्छा मंदिर है। यहाँ पे घी है, रखते हैं जो भी मन्नत वाले होते हैं उनका, और श्रीफल नारियल बोलते हैं ना, वो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ जिससे गंदगी नहीं होती है और अंदर ही गंदगी भी नहीं होती है, और अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं। अभी हमने सब पूजा पाठ कर ली अंदर, अब हम बाहर जाएंगे। हर साल तो क्या है, यहाँ बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, पर अभी मॉर्निंग में आए हैं, चाय नाश्ता करके ही निकले हैं, तो कुछ नाश्ता वास्ता करने का मन नहीं है। बस हम यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बोलेंगे, अभी जाएंगे और वहाँ खेलेंगे। कृष्णा खेल रही थी तो उसने बोला, मम्मा आप भी आ जाओ, तो मैं भी उसके साथ झूला झूलने गई। पर पता नहीं, बहुत टाइम के बाद बैठी थी तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ। फिर थोड़ी देर झूला झूली उसके साथ और फिर उतर गई, और उसके बाद आगे बच्चे खेलने लगे और एंजॉय करने लगे। आप भी आइए और देखिए हमने कैसा एंजॉय किया, और आप भी एंजॉय कीजिए।
बच्चों ने खेल लिया, फिर नाश्ता करना था, पर नाश्ते के लिए चाय के अलावा और कुछ था नहीं, और बाहर का खाना अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। फिर हमने जो प्रसाद ली थी वो प्रसाद खाई। आप देख रहे हो बाहर भी सारी शॉप बंद है, क्योंकि अभी 7:30 ही बज रहे थे, तो कोई नाश्ते की दुकान भी खुली नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा, देखते हैं कुछ मिले तो, पर कुछ मिला नहीं। फिर हम लोग वैसे ही नाश्ता किए बगैर वहाँ से निकल गए। 8 बजे तक तो हम घर भी पहुँच गए थे। बस इतना ही आज का व्लॉग है। अब ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग में मेरा व्लॉग आते रहे, क्योंकि कब से मेरे व्लॉग बंद थे, मेरे वीडियो भी बंद थे, पर थोड़ी दिक्कत आ गई थी। आप भी जानते हो फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, काम भी रहता है, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन क्लासेस भी चलाती हूँ, सब इकट्ठा हो गया था। उस वजह से मैं थोड़ा चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसीलिए आपके साथ वीडियो भी अच्छे से मैं नहीं शेयर कर रही थी, पर अब ज़रूर से ट्राई करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।